नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। आज धनतेरस का उत्सव यहाँ पर वाराणसी में मनाया जा रहा है और धनतेरस का दिन वाराणसी में इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि आज से लेकर भाई दूज यानी कि सिर्फ और सिर्फ साल में 5 दिनों तक मां अन्नपूर्णा जो कि धन धान्य की देवी मानी जाती हैं उनके स्वर्णमय प्रतिमा स्वर्णमय विग्रह के 5 दिनों तक लगातार दर्शन होते हैं। चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं मां अन्नपूर्णा के दरबार में जहाँ पर भक्तों को मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमय प्रतिमा के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्त एक एक करके मां अन्नपूर्णा के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं और मां का वो जो अलौकिक दृश्य है उसे प्राप्त करके भक्त निहाल हो रहे हैं। आप सीधा देख सकते हैं कि किस प्रकार से मां का श्रृंगार किया गया है और मां की स्वर्णमयी प्रतिमा बेहद आकर्षित कर रही है। साथ ही साथ मां के साथ भूदेवी भी विराजमान है और उनके ठीक सामने देवाधिदेव महादेव भिक्षा मांगते हुए खड़े हुए हैं और मां अन्नपूर्णा उन्हें अन्न प्रदान कर रही है क्योंकि एक बार जब धरती पर अकाल पड़ गया था तब यही मां अन्नपूर्णा ने महादेव को जब उन्होंने भिक्षा मांगी थी उनसे तो उन्हें ये प्रदान करके जो यहाँ पर जो इसकी मान्यता है उसको बरकरार कर और तब से वो दिन यहाँ पे चला आ रहा है कि काशी में कभी भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता। और जब अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन प्राप्त करके जब महंत वहाँ पर मां अन्नपूर्णा का खजाना वितरित कर रहे हैं तो वो खजाना ले जा करके लोग अपने लॉकरों में जहाँ पर भी वो अपने कीमती सामान रखते हैं वहाँ पर उसे लाल कपड़े में करके रखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करता है और जो उनका खजाना ले जाकर अपने लॉकर में रखता है उसके ऊपर मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बरकरार रहती है, धन धान्य की कृपा उन पर हमेशा रहती है। इस वक्त हम मौजूद है मां अन्नपूर्णा के परिसर में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्तों का जनसैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये आप देख सकते हैं कि ठीक सामने मां अन्नपूर्णा की ये जो प्रतिमा है ये वो प्रतिमा है जिसकी लोग रोजाना दर्शन करते हैं, सालों साल दर्शन करते हैं और यहाँ पर भी दर्शन पूजा करने का आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त मां अन्नपूर्णा के दरबार में आकर हाजिरी लगाते हैं उनके ऊपर मां अन्नपूर्णा की कृपा, उनके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य हमेशा बरकरार रहती है। और आप देख सकते हैं कि वो जो सामने आपको जो सीढ़ी नज़र आ रही है वहाँ पर आप देखिए कि सीढ़ी से जो भक्त हैं वो धीरे धीरे एक एक करके कतारबद्ध होते हुए ऊपर जा रहे हैं। और जब आप ऊपर चढ़कर जाएंगे सीढ़ी से और सीधे लोग स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वो जो अलौकिकता है जो भव्यता है मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी विग्रह का वो लोग जो भक्त उनको प्राप्त हो रहे वो दर्शन जो उनकी एक झलक उन्हें मिल रही है उसे वो प्राप्त करके निहाल होते जा रहे हैं। ये जो माहौल है आज धनतेरस के पर्व का यहाँ पर नज़र आ रहा है। आज से लगातार 5 दिनों तक होगा, सिर्फ और सिर्फ साल में ये 5 दिनों का ही ये होता है, ये जो दिन होता है ये 5 दिनों का। इसी दिन सिर्फ और सिर्फ स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा के दर्शन प्राप्त होते हैं, बाकी दिन यहाँ पर रोजाना यहाँ पर दर्शन होते हैं। अभी अभी जो भी भक्त यहाँ पर स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन करने के बाद सीधे वो जो अन्नपूर्णा मंदिर के महंत है वहाँ पर जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और वहाँ पर मां अन्नपूर्णा का वो जो खजाना है लावा और सिक्का वो महंत जी सभी भक्तों में वितरित कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद सभी भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी का आज से ये जो शुरू हुआ है दर्शन पूजन करने का विधान, इसके बारे में क्या कहना है। शंकरपुरा का अति प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर धनतेरस के दिन माता स्वर्णमयी के कपाट खोले जाते हैं। प्रथम स्तर पर 3 देवियाँ विराजमान हैं और बाबा विश्वनाथ। की ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन बाबा विश्वनाथ स्वयं यहाँ खजाना मांगने आए थे, तो वही परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा के अनुसार पहले जब धनतेरस जिस दिन रहती है उस दिन सुबह 3:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए, पहले माता अन्नपूर्णा की पूजा हुई, फिर भूमि की पूजा हुई, फिर लक्ष्मी जी की पूजा हुई, बाबा विश्वनाथ की पूजा हुई, फिर खजाने की पूजा हुई, फिर महाआरती पूजा हुई। पूजा हो जाने के बाद में ये भक्तों के लिए खजाना बांटा जा रहा है। जो खजाना लेके जाते हैं उनके घर में बरकत होती है और किसी प्रकार का कोई समस्या है और यदि लावा ले जाके लोग रखते हैं तो उनके अन्न की कभी कमी नहीं होती, ऐसी मान्यता है। और लोग आके बताते हुए पूरे देखा जाए तो पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं। इस समय 2 से 3 बज रहा है, लगभग 2 से 2.5 लाख लोग आए हैं, दर्शन करके चले गए हैं, प्रसाद ले गए हैं। और माता अन्नपूर्णा का प्रसाद कहीं आप घर में रखते हैं इस खजाना को ले जाके तो निश्चित है आपके यहाँ बरकत होती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है।
भारत का एक इकलौता मंदिर है जहाँ पर यहाँ पर खजाना बंटता है और वो लोग धनतेरस को लेके जाते हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ स्वयं अन्नपूर्णा से लेके गए हैं। इस खजाना का एक अलग महत्व होता है, जो माता को अन्नपूर्णा को प्रसाद में के तौर पे यहाँ खजाने में जो पैसे चढ़ते हैं वो द्रव्य होते हैं, तांबा पीतल सोना चांदी जो भी चढ़ता है उससे कुछ द्रव्य से सिक्के बनाए जाते हैं, कुछ चलन के सिक्के होते हैं वो भक्तों में बांटे जाते हैं और इसका एक अलग महत्व है। आप घर में रखिए तो निश्चित है कि आपके यहाँ बरकत होगी। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ स्वयं भिक्षा मांगे हैं, उसी परंपरा का हम लोग निर्वाह करते आ रहे हैं और ये स्वयं प्रतिमा है। देखा जाए तो ये आप दर्शन करेंगे तो निश्चित है आपको एक एनर्जी अलग से प्राप्त होगी। आप दर्शन करने से मात्र माता अन्नपूर्णा का दर्शन करने से आपका कल्याण होता है। कितने वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है? ये हजारों साल पुरानी परंपरा है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ स्वयं यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं, उसी परंपरा को हम लेके चल रहे हैं। क्योंकि माता अन्नपूर्णा के यहाँ जो खजाना लेके जाते हैं लगभग ये 5 दिन चलेगा। आज धनतेरस से शुरू हुआ है, प्रतिपदा तक मंदिर खुला रहेगा। आखिरी दिन जब लोग दर्शन करने आएंगे तो यहाँ पर माता अन्नपूर्णा को 56 प्रकार का भोग लगेगा, 17 प्रकार का नमकीन बनाया गया है वो माता जी को भोग लगेगा। भोग लगने के बाद भक्तों में 3 तारीख से वो प्रसाद बांटा जाएगा।